हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो आप सभी को स्वागत है मुनिजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टैक्स फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ये टैक्स फॉर्म आपको मेनली यूट्यूब और फेसबुक पेज मोनेटाइज करने के लिए चाहिए फ्रेंड्स। उसे कैसे आपको फिल करना है इस वीडियो में डिटेल में बता दूँगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। इस चैनल पर ऐसे ही रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले आपको एक PDF डाउनलोड करना है फ्रेंड्स। उसे डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाना है। यहाँ पर सर्च कर ले, क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाएंगे फ्रेंड्स। जब तक आपको एक प्ले स्टोर में जाना है और एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, PDF Adobe PDF एडिटर सर्च करने के बाद आपको टॉप में आ जाएंगे फ्रेंड्स। मेरे डिवाइस में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इससे आप डाउनलोड कर लेना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपको सीधा गूगल में जाना है फ्रेंड्स। गूगल में जाने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करें और यहां पर ओपन इन क्रोम पे क्लिक करें। डाउनलोड करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करें और डाउनलोड्स पे क्लिक करें फ्रेंड्स। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर टॉप में दिखाई देगी, उसे Adobe Acrobat पे क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएंगी। इससे ओपन होने जाने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करें फ्रेंड्स। वहाँ पर क्लिक करने के बाद फिल एंड सेंड में क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पहले नंबर पे आपका अपना फुल नेम डाल लेना है, जैसे मैं डाल लेता हूँ मेरा नाम। यहाँ पर डालने के बाद सेकेंड नंबर पे आपको आपकी कंट्री डाल लेना है, मेरी इंडिया है, इंडिया डाल लेना है। और आपको तीसरे नंबर पर कुछ नहीं डाल लेना फ्रेंड्स। और चौथे नंबर पर आपको प्राइवेट फाउंडेशन को टिक कर लेना है। यहाँ पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डाल लेना है फ्रेंड्स, जैसे मैं अभी डाल लेता हूँ। यहाँ पर डालने के बाद आपको सिटी डाल लेना है फ्रेंड्स। पहले आपकी टाउन का नाम डाल ले फ्रेंड्स, जैसे अपने आधार कार्ड में वैसे ही आपको यहाँ पर डाल लेना है। और आपको यहाँ पर सिटी में अपनी सिटी ऐड कर लेना फ्रेंड्स। ऐड करने के बाद आपको 8th नंबर पे कुछ नहीं डालना है फ्रेंड्स। यहाँ पर 9th नंबर में फॉरेन TIN मतलब टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर डाल लेना है फ्रेंड्स। मैं जैसे डाल लेता हूँ मेरा पैन कार्ड का नंबर। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल लेना है फ्रेंड्स। और आपको 10 में कुछ नहीं डाल लेना है 10 नंबर पर, और 14 नंबर पे भी ये सब ABC सभी को नहीं फिल करना है फ्रेंड्स। इसको छोड़ दे आपको। यहाँ पर छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेना है और आपको यहाँ पर एक टिक कर देना है, आई सर्टिफाइड दैट आई हैव कैपेसिटी टू साइन इन द एंटिटी आइडेंटिफाइड ऑन द लाइन वन ऑफ दिस फॉर्म, और आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। यहाँ पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक साइन करना है फ्रेंड्स। अपनी फ़ोन में आप साइन करते हैं, साइन कर लेना। साइन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डाल लेना है प्रिंट नेम पर। यहाँ पर फुल नेम डालने के बाद आपको जिस दिन आप ये एप्लीकेशन डालते हो ना फ्रेंड्स, उस दिन की आपको डेट डाल लेना है। जैसे मैं आज की डेट डाल लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर डेट डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। ये फॉर्म पूरी तरह से फिल हो चुका है तो आपको पहले से दिखा देता हूँ। पहले नंबर पे अपनी नाम डाल लेना फ्रेंड्स, और सेकेंड नंबर पर आपको कंट्री डाल लेना है,
और फोर्थ नंबर पे कुछ प्राइवेट फाउंडेशन डाल लेना है फ्रेंड्स। सिक्स नंबर पर आपको ये परमानेंट एड्रेस डाल लेना है फ्रेंड्स। आपको आधार कार्ड में जैसे है वैसे आपको फुल एड्रेस डाल लेना है फ्रेंड्स, तो आपने अपने हिसाब से डाल लेना। और आपको एक एड्रेस डालने के बाद आपको एक टिक मारने हैं फ्रेंड्स। और आपको आपका स्टेट भी लिख लेना है यहाँ पर एड्रेस में, फुल एड्रेस लिख लेना। और आपको पोस्टल कोड भी डाल लेना है फ्रेंड्स यहाँ पर। ये हो गया पूरी तरह से एड्रेस। और आपको यहाँ पर सिटी और टाउन डाल लेना है। और आपको यहाँ पर कंट्री दो बारी इंडिया डाल लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी इंडिया और नीचे भी इंडिया डाल लेना है। अब इधर डालने के बाद आपको आठवें नंबर पे कुछ नहीं डाल लेना है फ्रेंड्स। नौवें नंबर पर आपको यहाँ पर पैन कार्ड की नंबर डाल लेना है। और आपको 14 नंबर पर कुछ नहीं डालना है और 10 नंबर पे भी कुछ नहीं डालना। और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पर एक साइन करना है फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पर प्रिंट नेम पे अपना फुल नेम डाल लेना है। और डेट में अपना कौन से डेट में आप ये फॉर्म फिल करते हैं उस डेट को आप फुल तरह से फिल करना है। तो कैसे लगा वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक जुड़े रहिए, बाय, टेक केयर। तो इससे आपको सेव करने के लिए यहाँ पर टिक पे क्लिक करें फ्रेंड्स। टिक करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करें। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव ए कॉपी पर क्लिक करना है और ये सेव हो जाएंगी। आपको यहाँ पर ऑन द डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे आप ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके भी देख सकते हैं आप कैसे फिल करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो के बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।